आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, SBI PO की सैलरी तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि मैं जो सैलरी स्लिप लेके आया हूँ वो दो सैलरी स्लिप है SBI की, एक SBI PO की और SBI के अंदर जब आप प्रमोशन लेके स्किल 3 बन जाते हैं उनकी, हम दोनों का कंपैरिजन इसके अंदर देखेंगे। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि SBI के अंदर जब आपकी जॉब लगती है तो कैसे प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज होती है और कितनी इंक्रीज होती है। SBI की प्रमोशन पॉलिसी थोड़ी सी मैं आपको समझा दूं कि SBI में आप एज ए PO स्किल 1 नियुक्त होते हैं, उसके बाद आपका प्रमोशन होता है स्किल 2 पे और फिर स्किल 3 पे। तो आज जो मैं आपके सामने सैलरी स्लिप लेके आया हूँ आफ्टर प्रमोशन वाली, वो स्किल 3 की है। तो ये जो कंपेरिजन होगा ये SBI PO न्यू ज्वाइनिंग वर्सेज SBI स्किल 3 मैनेजर की सैलरी स्लिप हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन सैलरी स्लिप देखने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि SBI PO बनने के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे जरूरी, आज काफी लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमें रीजनिंग का मैथ्स का सोर्स तो अच्छा मिल जाता है, और कईयों की रीजनिंग मैथ्स बाय डिफॉल्ट भी काफी अच्छी होती है, स्पेशली जो SBI PO की तैयारी करते हैं। लेकिन करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है जिसमें काफी सारे बच्चे लैग कर जाते हैं, क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है। तो आज मैं आपके सामने एक PDF लेके आया हूँ एस्पायरेंट जोन का। इनके PDF की खास बात यह है कि ये 1 मंथ वाला भी है और 6 मंथ वाला भी है। 1 मंथ वाला जो PDF है वो 25 यानी केवल 25 रुपए का है, और जो 6 मंथ वाला PDF है वो 125 रुपए का है। तो और इसकी सबसे खास बात यह है, ये अभी इसलिए ज्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि RRB PO के अंदर इनके PDF में से काफी सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस निकल के आए थे। साथ साथ इनके अंदर स्टैटिक GK भी काफी अच्छी है, केवल ऐसा नहीं कि केवल करंट अफेयर के ही है, इसके अंदर स्टैटिक GK भी काफी अच्छे से इन लोगों ने समझाई है। इनकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, तो आप वहां से जाके इनका परचेज कर सकते हैं। आपको अगर ट्रायल तौर पे देखना है तो 25 रुपए में 1 मंथ का काफी सस्ता है, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप 6 मंथ वाला भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सैलरी स्लिप वाले पार्ट की। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन बेसिक पे से। तो जो SBI PO की बेसिक पे होती है वो होती है 41,960 यानी 41,960, और SBI स्केल 3 की बेसिक पे होती है 63,840 यानी 63,840 रुपीज। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, तो डियरनेस अलाउंस क्या होता है, जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ज्यादा डीए होगा, क्योंकि बेसिक पे ही डीए कैलकुलेट होता है। तो SBI PO का डीए निकल के आ रहा है 16,335.45 यानी 16,335.45 रुपीज, और SBI के अंदर स्केल 3 का डीए बन रहा है 27,581.78 रुपए यानी 27,581.78 रुपीज। उसके बाद लोकेशन अलाउंस, तो लोकेशन अलाउंस क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह रह रहे हो। जितनी ज्यादा बड़ी जगह आप रहोगे तो उतना ज्यादा लोकेशन अलाउंस मिलेगा, जितनी छोटी जगह रहोगे तो उतना कम लोकेशन अलाउंस मिलेगा। तो SBI PO को जो लोकेशन अलाउंस इस सैलरी स्लिप में मिला है वो है 587.10 रुपए, और स्केल 3 को मिला है 700 यानी 700 रुपीज। उसके बाद लर्निंग अलाउंस के 600 रुपए SBI PO को भी 600 मिले हैं, और स्केल 3 SBI के अंदर जो मैनेजर होता है उसको भी 600 रुपीज यानी 600 रुपए मिले हैं। फिर एक स्पेशल अलाउंस करके टर्म है इनकी सैलरी स्लिप में, तो SBI PO को मिला है 6,881.44 रुपीज यानी 6,881.44 रुपए, और स्केल 3 को ये मिला है 10,469.76 रुपीज। तो टोटल जब हम अर्निंग्स का लगाएंगे तो SBI PO की टोटल अर्निंग्स निकल के आएगी 66,363.99 रुपीज यानी 66,363.99 रुपए, और SBI स्केल 3 की टोटल निकल के आएगी अर्निंग्स की 103,191.54 रुपए। अब हम चलते हैं इनके डिडक्शन वाले पार्ट पे। तो SBI PO में डिडक्शन के अंदर सबसे पहले आता है एम्प्लॉय PF कंट्रीब्यूशन, तो वो SBI PO का है 4,196 यानी 4,196, और SBI स्केल 3 का है ये 6,384 यानी 6,384 रुपीज। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, SBI PO में भी 200 रुपए कटा है, और स्केल 3 मैनेजर की सैलरी स्लिप में भी ये 200 यानी 200 रुपीज कटा है। फिर कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड के जो है वो SBI PO के अंदर इनके कटे हैं 5,583 यानी 5,583 रुपीज, और स्केल 3 के कटे हैं इसमें 8,735 यानी 8,735। तो टोटल अगर हम डिडक्शन का लगाएं तो SBI PO का टोटल डिडक्शन बनता है 9,979 रुपीज, और स्केल 3 का टोटल डिडक्शन बनता है 15,319 यानी 15,319 रुपीज। अब हम इनकी नेट पे कैलकुलेट करते हैं, तो नेट पे कैलकुलेट करने के लिए अर्निंग्स में से हमको डिडक्शन माइनस करने होते हैं। तो जब SBI PO का हम अर्निंग्स में से डिडक्शन माइनस करेंगे
तो नेट पे इन हैंड एसबीआई पीओ न्यू ज्वाइन की सैलरी बनती है 56,384.99 रुपए, यानी 56,384.99 रुपीज। और स्केल 3 की जब अर्निंग्स में से डिडक्शन माइनस करेंगे तो टोटल नेट पे इन हैंड इनकी बनेगी 87,872, यानी 87,872.54 रुपीज। तो लगभग इनका जो डिफरेंस आ रहा है प्रमोशन के बाद का, वो 30,000 अप्रोक्स का इनका डिफरेंस बनता है महीने का, यानी लगभग साल का आप मान के चलो कि 3.5 लाख से भी ज्यादा का इंक्रीमेंट लग के और प्रमोशन वगैरह सब होके तो स्केल 3 की और एसबीआई पीओ की सैलरी में डिफरेंस आ जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर इस तरह के सैलरी स्लिप कंपैरिजन के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।